झारखंड झारखंडियों का है और उनका ही रहेगा। ये जो बात है ये हमारे शिक्षा मंत्री ने कही थी। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ। जब भी शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है तो उन्होंने एक ही बात कही है कि मैं तो भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि हमारे जो सरकारी स्कूल है वो यहाँ के प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दें। यही नहीं बल्कि उनका यह भी सपना था कि वो झारखंड के राज्य को एक पढ़ा लिखा और एक शिक्षित राज्य के रूप से पहचान दिलवाएं। इसी के साथ साथ आज हम आपको बताने वाले हैं झारखंड महतो के जीवन की कुछ बातें। आपको बता दें कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे पहले श्री जगन्नाथ महतो, वो शिक्षा मंत्री होने से पहले डुमरी विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। वो विधायक रहते हुए भी लोगों की परेशानियों का बहुत अच्छी तरीके से समाधान करते थे। वो विधायक के पद पर रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है, या फिर वो जनसभाएं करते थे, वो आम सभाएं करके वहां पे जाते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे। विधायक से अपना सफर शुरू करने के बाद वो शिक्षा मंत्री के पद तक पहुंचे। जब वे शिक्षा मंत्री बने थे तो लोगों ने उन पे ताना कसा था कि वो 10वीं भी पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी इस बात को, या फिर लोगों के, ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के इस ताने को उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक रूप में ले लिया। इसी के बाद उन्होंने नावाडी के इंटर कॉलेज में जाकर के दाखिला लिया और वहां से फिर उन्होंने 10वीं की परीक्षा दे करके उसे पास की। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरीके से जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री बनने के बाद लोगों की समस्याओं को सुनते थे या फिर उनका समाधान करने के लिए जाते थे, इसमें इस तरीके से उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच में बढ़ती चली जा रही थी। आपको बता दें कि जो जगन्नाथ महतो को लोग जो संबोधित करते थे उन्हें लोग टाइगर भी बुलाते थे। उन्हें लोग टाइगर दा या फिर टाइगर जगन्नाथ दा के नाम से भी जानते थे और उन्हें बुलाया करते थे इस नाम से। ये नाम उनके पढ़ने के पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि उनको कोई भी काम अगर वो करना चाहते थे, या फिर वो जनता की मदद करना चाहें, या फिर जनता की परेशानियों को सुनना चाहें, तो वे अपना समय नहीं देखते थे। वो ये समय देखते थे कि किस तरीके से वो जनता से मिल सके, जो जनता को आराम हो, उनका सहयोग हो सके। इसी के बाद वो जब भी किसी बैठक में जाते थे या फिर वो कभी भी किसी मीटिंग में जाकर के किसी अधिकारी से मिलते थे, तो वे वहां मिलकर के भी अपनी परेशानियों को, मतलब अपनी द्वारा जो सुनी गई थी उनकी जनता की परेशानियां, वो उसे बताने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे और उनके कामों को, उनकी समस्याओं को सुलझाने में दिलचस्पी रखते थे। इसी के साथ साथ वे कभी भी अगर मुख्यमंत्री आवास भी जाते थे तो वो मुख्यमंत्री आवास जाकर के भी उनकी एक ही मंशा रहती थी कि उनके पास जितने भी जनता दल के परेशानी आए हैं, समस्याएं आए हैं, वो उनका सुझाव दे। इतना ही नहीं, जब वो डुमरी विधानसभा में विधायक थे तो उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। उनपे कई तरह के ताने कसे गए, उनकी कितनी सारी आलोचनाएं की गई, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान की मंशा बिल्कुल दृढ़ हो, वो अगर कुछ अपने मन से करना चाहे तो कितनी भी आलोचनाएं हो जाए, कितनी भी उनके बारे में बुरी बातें कह दी जाए, उसका उसे उस इंसान पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जगन्नाथ महतो की तबीयत बीते दिनों कोरोना काल में खराब हुई थी। कोरोना काल में जब उन्हें अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उन्हें घबराहट होने लगी, तो वे डॉक्टर से मिलने के लिए गए। डॉक्टर से मिलने के बाद उन्हें मालूम चला कि उन्हें कोविड हो गया है। कोविड के दौरान उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनके इलाज में, उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार नहीं आ पा रहा था, जिसके बाद के मुख्यमंत्री के नेतृत्व के द्वारा उन्हें चेन्नई में शिफ्ट करवाया गया। चेन्नई अस्पताल में जाने के बाद उन्हें मालूम चला कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन है। लंग्स का उनका ट्रांसप्लांट करवाया गया। उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें हिदायत दिया था और उन्हें सलाह भी दी थी कि आप लोगों से कम मिला कीजिएगा या फिर आप ज़्यादा चिंताएं मत कीजिएगा। तो उस वक्त उन्होंने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से कहा था कि इस पद की गरिमा इतनी है कि शिक्षा मंत्री कभी बिना चिंता के बैठ ही नहीं सकते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि वे आराम से रहें और उनकी जो जनता है, उनकी जो छात्र छात्राएं हैं उनके स्कूलों में, वो परेशानी में रहें। वो आए दिन स्कूलों का भी भ्रमण करते थे। अपने लंग्स से ट्रांसप्लांट होने के बाद भी वो आए दिन स्कूलों का भ्रमण करते थे। स्कूलों में आते जाते राह पे अगर उन्हें कोई छात्र या छात्रा मिल जाती थी तो वे उनसे भी वहां रुक करके बातचीत करते थे। इतना ही नहीं, वो अपने लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद भी, उनकी तबीयत में काफी ज्यादा सुधार नहीं होने के बाद भी, वो हमेशा आम सभाओं में जाया करते थे, जनसभाओं में जाया करते थे, या फिर अपने आवास के जो कार्यालय में भी वो वहां पे लोगों से मिलते थे, लोगों से मिलकर के उनकी परेशानियां सुनते थे,
और वे सिर्फ अपने क्षेत्र के नहीं, वो पूरे राज्य की समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। यही कारण था कि जगन्नाथ महतो जनता के बीच में इतनी लोकप्रियता उन्होंने हासिल कर ली थी। बीते बजट सत्र के दिन उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ी। 14 मार्च के दिन उनको सुबह 3 बजे विधानसभा के समीप पारस HEC हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया। एडमिट करवाने के दौरान में डॉक्टरों की 2 टीम उनकी निरीक्षण कर रही थी और उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ले रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनसे वहां मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन जब पारस अस्पताल में उनके तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो फिर उन्हें यहाँ से चेन्नई भेज दिया गया। 14 मार्च की शाम को उन्हें एयर एम्बुलेंस के द्वारा चेन्नई भेज दिया गया और बीते 6 अप्रैल तक उनका वहां पे इलाज चलते रहा। लेकिन 6 अप्रैल को सुबह में राज्य में ये खबर आती है कि राज्य के शिक्षा मंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर को सुनते ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री जी ने इसे एक अपूर्णीय क्षति बतलाई है। इसी के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन्होंने भी अफसोस जताया है। उन्होंने भी कहा कि इस तरह से असमय में शिक्षा मंत्री का चले जाना राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, राज्य के शिक्षा विभाग के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उन्होंने छात्रों से वादा किया था कि 1932 का खतियान वे ला करके रहेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि झारखंड झारखंडियों का है, यहाँ पे वे बाहरियों को राज नहीं करने देंगे। इसी के साथ साथ नियोजन नीति को लेकर के भी उनका यही मानना था कि हम जो भी नीति को पारित करेंगे राज्य में वो हम अपने छात्र छात्राओं के लिए और झारखंड वासियों के हित में करेंगे। इसीलिए वो हमेशा आए दिन झारखंड के जितने भी युवा अभ्यर्थी हैं उनसे वे आप बोलते थे कि आप लोग उम्मीद रखिए कि हम जो भी पारित करेंगे, जो भी नीति लाएंगे वो आपके हक में लाएंगे। अब हमें ये देखना है कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने जो सपना देखा था सरकार में शिक्षा की स्थिति के लेकर के, या फिर उन्होंने झारखंड राज्य को एक शिक्षित राज्य के तौर पर पहचान दिलाने के लिए, अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और क्या काम करती है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे मेरे साथ। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नौ, रांची।